नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम के अपडेट लेकर सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। तीन चार दिनों से जिस तरह से धूप तप रही है, जंगलों में आग लगनी फिर से शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त धुआं धुआं सोलन शहर हुआ है। हर जगह पर धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। जंगलों में लगातार इस वक्त आग लगी हुई है। आगजनी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं पिछले दो तीन दिनों से, और यही वजह है कि गर्मी एक बार फिर से बढ़ गई। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के हो रही है, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, हर जगह पर अब तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है क्योंकि वनों में आग लग रही है, बारिश हो नहीं रही है और बारिश की फिलहाल संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि प्री मानसून बारिश की पहले उम्मीद बंधी हुई थी, लेकिन अब मौसम विभाग का मानना है कि 15 से 17 जून तक भी मौसम साफ रहने की संभावना बन गई है। तो उससे लग रहा है कि जो प्री मानसून की बारिश के जो आसार बने थे वो भी फिलहाल अब नज़र नहीं आ रहे। आसार जो बने थे अब ऐसा लग रहा है कि बारिश ना हो, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना दो तीन दिनों में बनी हुई है। यदि मौसम विभाग की माने तो 14 जून को जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश का चाहे शिमला हो या फिर कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा है, चंबा के साथ अब मंडी के कई क्षेत्र हैं जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां पर हिमपात होता है, तो उन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जरूर मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। और तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब हिमाचल प्रदेश के में देखने को मिल रही है और करीब 5-6 शहरों का तापमान तो इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच मंगलवार को प्रदेश में 4 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आज और कल लू चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आज और कल के लिए 12 और 13 जून को मैदानी हो चाहे प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं कुछ भागों में अगले 3 दिन तक बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। भले ही मौसम विभाग ने मैदानी और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर के लिए लू वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग की माने तो बारिश होने की भी काफी पूर्वानुमान है। 14 जून को प्रदेश के मध्य मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 14 जून को प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं और मध्य क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश होने की संभावना है और 15 से 17 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अब देखते हैं, दो तीन दिन जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र बताए गए और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र वहाँ तो लू चलने की मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि वहाँ बारिश हो सकती है और 14 जून को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। अगले दो तीन दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना मौसम विभाग की ओर से बारिश की बताई गई है। चंद्रलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं, बिंदिया ठाकुर जी। बिल्कुल जी, सोलन में के जंगलों में इस वक्त आग लगी है, चाहे बड़ो के जंगल हो या फिर करोल पर्वत हो। यहाँ पर इस वक्त करोल पर्वत के आसपास भी धुआं उठा हुआ है और चारों तरफ धुआं ही धुआं इस वक्त फैला हुआ है। और यही वजह है कि सोलन में तो गर्मी अब लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान भी 36 डिग्री सेल्सियस को पहुंच गया है। मलकीत सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, बिंदिया ठाकुर जी का स्वागत है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि क्लियर वेदर एट बधाल रामपुर। और शिशु भोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनिता सेन जी जुड़ गई हैं, चौहान बबलू जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए मौसम के इस बुलेटिन में और आप लोगों का स्वागत है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के मैदानी और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में आज जबरदस्त उछाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है, लेकिन मध्य पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थोड़ी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में आने वाले दो तीन दिनों तक दो तीन दिनों में दो तीन दिन
बारिश होने की संभावना बनी हुई है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। रिंकू प्रिमटा जी हमारे साथ जुड़े, मौसम शिमला का भी क्लियर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिमला में भी गर्मी इस वक्त पड़ रही है। तापमान में हालांकि और जगह की तुलना में शिमला का तापमान उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का तापमान भी इस वक्त बना हुआ है। शिमला का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है और आज भी इसी तरह का रहने की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर व्यक्त की गई है। भाई गंगा नेगी किन्नौरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पिंकू प्रिमटा जी का स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी बता रहे कमरू नाग और शिकारी देवी में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। सभी दर्शकों को उनकी तरफ से राधे राधे। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, चौहान बबलू जी भी जुड़े हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की यह तस्वीर है, आप देख रहे हैं सोलन शहर इस वक्त धुआं धुआं नज़र आ रहा है और धुआं धुआं छाया हुआ है चारों तरफ। इस तरह की स्थिति बनी हुई है सोलन की, क्योंकि जंगलों में आग के लगातार मामले सोलन में सामने आ रहे हैं। आसपास के जंगल धू धू कर जले हैं, फिर से दूसरी बार जंगलों में आग लगनी शुरू हो चुकी है। 3-4 दिनों से मौसम साफ बना हुआ है और सब मौसम साफ है तो गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में अब वृद्धि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से हो रही है। मैदान फिर से तपने शुरू हो गए हैं, पहाड़ फिर से तपने शुरू हो गए हैं। 2-3 दिनों के लिए तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जब पिछले सप्ताह हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई थी तो उससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब वो गिरावट की जगह अब तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। मौसम साफ है, बारिश की फिलहाल संभावना यदि हम मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज से 14 जून तक बारिश कुछ एक भागों में बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की गई है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा और 14 जून को प्रदेश के मध्य मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना, यानी 2 दिन बाद बारिश हो सकती है मध्य मैदानी क्षेत्रों में, जहां पर तापमान लगातार इस वक्त बढ़ रहा है। और रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। मनाली का मौसम, मंडी का मौसम भी गर्मी है, आजकल गर्मी मंडी में भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 38.8 डिग्री सेल्सियस मंडी का तापमान है। बारिश का तो हम देखें कि मौसम विभाग के अलग अलग पूर्वानुमान चले हुए हैं। 15 के बाद पहले बताया गया था कि प्री मानसून बारिश होगी और हिमाचल प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच में बारिश होगी और 20 से 22 जून के बीच में मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा। अब मौसम विभाग का मानना है कि 15 से 17 के बीच में मौसम साफ रहेगा। आजकल के दिनों में प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी। 14 जून को प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और थोड़े कन्फ्यूज़ भी इस वक्त कर रहे हैं। और लेकिन हालत प्रदेश की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और अब तो स्थिति यह होगी कि सब्जी मंडियों में सब्जियां बड़ी कम मात्रा में इस वक्त पहुंच रही है। किसान परेशान है, जहां पर सिंचाई की व्यवस्था भी है वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में पानी फसलों को नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब जो फसलें हैं वो सूख रही हैं और क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो बाज़ार में भी मंडियों में भी रेट उस तरह के नहीं मिल रहे जिस तरह के किसानों को मिलने चाहिए। और विनोद कुल जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। बड़े दिनों बाद विनोद कुल जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, देशराज हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धूप में बाज़ार खाली हो गए हैं, विनोद कुल जी बता रहे हैं कि दिन के समय इसमें कोई दो राय नहीं कि सोलन में इस तरह का तापमान में लगातार बढ़ोतरी, सोलन के 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास सोलन शहर का तापमान चला हुआ, तो उसकी वजह आप देख रहे हैं कि जंगलों पहाड़ियों के ऊपर जिस तरह का धुआं उमड़ा हुआ है ये इसकी वजह है कि जंगलों में आग के मामले इस बार सोलन में रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिले हैं। पर्वत में भी इस वक्त देख रहे हैं कि जंगल धूध होकर जल रहा है, जरास के जंगलों में इस वक्त आग लगी है और धुआं वहां से उठ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार वनों में के आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी है और उसका ही परिणाम है कि प्रदेश के पहाड़ इस बार पहले की तुलना में ज़्यादा तपे हैं। अनुज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप ठाकुर जी जुड़ गए हैं, रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और सोलन अप टू डेट से हमारे साथ जुड़े हैं अमरजीत पुंज जी और बता रहे हैं कि सपरून में भी बहुत गर्मी है। इसमें कोई दो राय नहीं, सपरून सोलन का शहर का ही हिस्सा है। जब पूरे शहर में गर्मी पड़ रही है तो सपरून भी कहाँ बचेगा और सपरून में
वाहनों की आवाजाही भी ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है कि उसका भी थोड़ा असर देखने को पुन साहब को मिल रहा हो। और पुन साहब हमारे लोकप्रिय पत्रकार हैं सोलन के, और ज्ञान सुमन जी हमारे बड़े भाई और कंडा घाट के से जुड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बता रहे कंडा घाट चायल में स्मोकी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर हर जगह पर। अब सोलन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन कंडा घाट की स्थिति भी इसी तरह की है, वहां पर भी चारों तरफ धुआं ही धुआं इस वक्त छाया हुआ है। ज्ञान सुमन जी हमारे को ये जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, जंगलों की आग के लगातार अब मामले फिर से एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए। पिछले हफ्ते राहत जरूर मिली थी, लेकिन इस सप्ताह फिर वनों में आग लगनी शुरू हो गई है, और उसका असर आप देख रहे हैं कि तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बारिश का हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जंगल धू धू कर इस वक्त जल रहे हैं। टेक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और बबली भारद्वाज जी फरीदाबाद से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजय ढडवाल जी का हम स्वागत करते हैं, जो पीरन शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है। बलदेव ठाकुर जी का, पंकज गौतम जी का, देशराज रंजन जी का हम स्वागत करते हैं। ठाकुर रॉय भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह का तापमान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। नेहरी में 44.8 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 42.8 है, धौलाकुआं में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, बिलासपुर में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, हमीरपुर में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, भट्टी में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, सुंदरनगर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, कांगड़ा में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, चंबा में 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, मंडी में 28.8 है, नाहन में 38 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में 37 है, बजौरा में 37.5 है, सोलन में 36 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और शिमला का तापमान इस वक्त 30.4 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। तो कुल मिलाकर तापमान में जबरदस्त उछाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कल देखने को मिला है, और आज भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग की ओर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में तो लू का अलर्ट जारी किया गया है। तेन सिंह ठाकुर जी, मनोज पटियाल जी और राज शर्मा जी, केशव राम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर रॉय जी का हम स्वागत करते हैं। और न्यूनतम तापमान शिमला का इस वक्त 18.6 है, सुंदरनगर का 18.1 है, मुंतर का 15.9 है, कल्पा का 9.6 है, धर्मशाला का 23.6 डिग्री सेल्सियस, ऊना का 20.4, नाहन का 23.1, केलोंग का 5.1, पालमपुर का 20.5, सोलन का 18.4, मनाली का 13.4, कांगड़ा में 20.7, मंडी में 17.9, बिलासपुर 18.4, हमीरपुर 17.5, चंबा 17 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी 19.5, जुबरहट्टी 22.4, कुफरी 16.2, कुकुमसेरी 6.9, नारकंडा 13.1, रिकोंगपियो 12.4, धौलाकुआं 28.1, भट्टी 17.1, कसौली 22.8, पाउंटा साहिब 25 डिग्री सेल्सियस, देहरा गोपीपुर 26, ताबो 5.7, समदो 9.5, मशोबरा 17.1, नेरी का तापमान 28.3, सेंज का 17.4 और बजौरा में 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और बीबीएन का तापमान बताना भूल गया था, बीबीएन का 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहे हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष, उनका स्वागत है। सोलन से जुड़े हैं राजीव सैनी नंगल जी और तेन सिंह ठाकुर जी भी सोलन से जुड़े हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तो पंजाब केसरी टीवी में नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बारिश की वैसे ज़्यादा संभावना तो नहीं है यदि हम देखें, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अब कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, कभी बता रहे हैं बारिश होगी, कभी मौसम साफ रहेगा, इस तरह के पूर्वानुमान आ रहे हैं। पहले 15 से लेकर 20 जून के बीच में प्री मानसून को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, अब 15 से 17 के बीच में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का पूर्वानुमान आ गया है। और हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय आजकल के दिनों में यदि हम देखें 2-3 दिन हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। 14 जून को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना या इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और तापमान की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, और आज और कल के लिए मैदानी क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश के जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र इस तरह के हैं जैसे जिला सोलन में अर्की का क्षेत्र है, या फिर
अर्की का ही क्षेत्र ही मानेंगे और वहाँ पर भी तापमान में लगातार इस वक्त बढ़ोतरी देखने को मिली, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। तो ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी है, ऊना जिला है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, इसके अलावा सोलन का बीवीएन का क्षेत्र है, परमाणु है, पांवटा साहिब का यदि हम बात करें तो जिला सिरमौर का पांवटा साहिब है, कालाम है, मंडी का सुंदरनगढ़ का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में है। तो वहाँ पर लू चलने को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि लू चल सकती है, 2 दिनों का अलर्ट है। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान भी रखें विशेष रूप से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन के समय तेज़ धूप है, यदि कोई ज़रूरी काम ना हो तो घरों से भी बाहर ना निकले, क्योंकि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक और समस्या आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा है, पानी की विकराल समस्या हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चली हुई है। सोलन में तो बहुत ज़्यादा यह समस्या विकराल हो चुकी है, स्थिति यह हो गई है कि जिन बावड़ियों में नगर निगम द्वारा बताया गया है कि और वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं कि यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, लोग उस पानी को पीने को मजबूर हो गए हैं, स्वास्थ्य के साथ उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, जो पानी पीने योग्य नहीं है लोगों को पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि 5-5, 7-7, 8-8 दिनों तक लोगों को पानी नहीं मिला, इस तरह की स्थिति बनी है। यदि हम जल शक्ति विभाग के पूरे मंडल की, सोलन मंडल की बात करें, जो सोलन का डिवीज़न है उसमें 69 स्कीमें प्रभावित हो चुकी है, 1352 गाँव में पानी की इस वक्त समस्या खड़ी हुई है। ये मैं सोलन का आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यह स्थिति इस आंकड़े के आधार पर पूरे प्रदेश की लगाई जा सकती है कि किस तरह के हालात इस वक्त गर्मियों में हिमाचल प्रदेश के बने हुए हैं। लोग बेहाल है गर्मी से भी और पानी ना मिलने की वजह से भी, और बारिश ना होने हो न बारिश हो नहीं रही है, उसके कारण किसानों की खड़ी फसलें अब तबाह होनी शुरू हो चुकी है, इस तरह की स्थिति है। और तैयार जो फसलें हैं वो जल्दी तैयार पक रही हैं, यही वजह है कि टमाटर जब जो 10 दिन बाद मंडियों में आना था वो 10 दिन पहले आना शुरू हो चुका है, रेट नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और मौसम यदि हम कहें तो हिमाचल प्रदेश इस वक्त सूखे की चपेट में है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का मौसम है, और मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। ब्रिजेश राठौर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, और गोविंद प्रसाद अत्री जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, वीरू ठाकुर जी का स्वागत है। गोविंद प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।